children, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. So welcome back to your channel NCRT Solution. So आज की इस वीडियो में हम चैप्टर रीड करेंगे चैप्टर 12 What if it finishes क्लास 5th NCRT EVS पार्ट फर्स्ट. ऑलरेडी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट टू. हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि सभी बच्चे एक बस में अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर एक बावड़ी को देखने के लिए जाते हैं. बावड़ी क्या होता है? बावड़ी एक पानी का एक तालाब टाइप होता है. आया कि जब वो लोग हाईवे क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पे वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स थे, तो उन्होंने देखा कि जो व्हीकल्स थे उन सभी में से एक स्मोक निकल रहा था, धुआं निकल रहा था, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है. हमें उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. पार्ट था हमारा अ बस जर्नी. सेकेंड पार्ट है हमारा ऑन द पेट्रोल पम्प. तो अब जो उन बच्चों की बस थी वो एक पेट्रोल पम्प पर पहुँचते हैं और वहाँ पर उन बच्चों ने क्या देखा, क्या उनके बीच में डिस्कशन हुआ, वो हम पढ़ते हैं. आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पम्प. कि कुछ देर बाद जो हमारी बस थी वो पेट्रोल पम्प पर रुकती है. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू. वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी. इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट. वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प. वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर. तो बच्चे अब क्या बता रहे हैं कि हम कुछ समय के बाद एक पेट्रोल पम्प पर पहुँचते हैं, हमारी बस वहाँ पर रुकती है. तो हमने देखा कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी व्हीकल्स की, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा. तो हम सब लोग बस से उतर गए, इधर उधर पेट्रोल पम्प पर हम घूमने लगे और आसपास की चीज़ों को देखने लगे. वी सॉ मैनी थिंग्स लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर्स. तो हमने क्या देखा, वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे और बड़े बड़े वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए थे. तो आगे बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे पोस्टर देखे थे. उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ पर पोस्टर देखा था, उस पर क्या लिखा हुआ था, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रंस. वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जो पेट्रोल जो डीजल है वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं, ये कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आप सही से यूज़ करें. सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. आप जो पेट्रोल डीजल है उसे अपने बच्चों के लिए बचाएं. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. आपको पेट्रोल की एक एक बूंद की अहमियत को समझना चाहिए, उसकी एक एक बूंद को आपको सोच समझकर यूज़ करना चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. कि जब आपकी कार, जैसे कहीं आप ट्रैफिक, जैसे कि कहीं आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ट्रैफिक लाइट रेड लाइट जब हो जाती है तब आपको अपने कार के इंजन को बंद कर लेना चाहिए. उससे भी क्या होता है, यदि सब लोग ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर पाएंगे, हम उसका सही से यूज़ कर पाएंगे, उसका मिसयूज़ नहीं होगा. क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है वो एक नेचुरल चीज़ है, वो कोई मशीनों से या कोई उसको ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं, वो नेचुरल बनता है और उस पेट्रोल की एक एक बूंद को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं. तो उसको हमें सही तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि हम उन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए उसे बचा सके उनके लिए. तो डेट थी वहाँ पर 6 जून 2007. तो उस टाइम पे 2007 में पेट्रोल और डीजल का रेट था, पेट्रोल का रेट था 47 रुपीज़ पर लीटर और डीजल का रेट क्या था, 35 पर लीटर. आज आपका रेट क्या है, आज अभी करंट में यदि बात करें तो 100 क्रॉस कर चुका है आपके पेट्रोल्स के रेट. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. तो वो बच्चे फिर आगे क्या कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा वहाँ पर क्यों लिखा हुआ था कि जो पेट्रोल जो डीजल है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा. वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल वू वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प. तो हमने क्या सोचा कि जो अंकल पेट्रोल पम्प पर काम कर रहे हैं हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पोस्टर पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है. तो फिर उनसे कौन बात करते हैं, उनसे बात करता है अब्राहम. अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. तो अब्राहम ने क्या पूछा वो पेट्रोल पंप वाले अंकल से कि हमें जो पेट्रोल और डीजल है वो कहाँ से मिलता है. फिर अंकल ने क्या आंसर दिया, वो वर्क्स एट द पेट्रोल पंप. अंकल कौन, जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे. फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड. कि जमीन के नीचे बहुत गहराई में से हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है. मंजू बट हाउ डज इट गेट मेड देयर. लेकिन मंजू फिर क्या पूछती है कि वो वहां पर बनता कैसे है, जो पेट्रोल और जो डीजल है वो जमीन के नीचे कैसे बनता है. अंकल इट इज फॉर्म नेचुरली. अंकल ने फिर क्या बताया, जो ये पेट्रोल और डीजल है ये नेचुरल ही बनते हैं,
बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बींग और अ मशीन। जो पेट्रोल है उसे कोई इंसान नहीं बनाता, उसे कोई मशीन नहीं बनाती, वो नेचुरल रूप से बनता है और बहुत धीरे धीरे बनता है। मतलब पेट्रोल और डीजल को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, उसकी एक एक बूंद को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट। तो अब्राहम क्या कहता है कि हमें फिर पेट्रोल डीजल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है जो वो ज़मीन के नीचे मिलता है। तो वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पम्प आउट वाटर। कि जैसे कि हम ज़मीन में गड्ढा खोद के वो बोरवेल वगैरह करके हम पानी निकाल लेते हैं, तो उसी तरह से हम गड्ढा करके जो तेल है, ऑयल है, पेट्रोल डीजल, उसको भी निकाल सकते हैं। हमें पेट्रोल डीजल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फिर अंकल ने क्या कहा, अंकल इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर। तो अंकल क्या कहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है वो हर जगह नहीं मिलता है, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमें पेट्रोल डीजल मिलता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पुट इट आउट एंड क्लीन इट। और हमें उसे निकालने के लिए, उस पेट्रोल डीजल को ज़मीन के नीचे से निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है, और फिर उस तेल को वहाँ से निकाल के उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, और उसके बाद वो सभी पेट्रोल पंप पर पहुँचता है। तो जो पेट्रोल और जो डीजल है वो कच्चा तेल निकलता है ज़मीन के नीचे से, उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद उसको हर जगह और हर स्टेट में उसे पहुंचाया जाता है। तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जब तेल हमारे तक पहुंचता है। फाइंड आउट एंड डिस्कस। आगे आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर इन्होंने पूछे हैं, आपको उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। कि इंडिया के वो कौन से स्टेट है जहाँ पर कि ऑयल फील्ड है, मतलब कि जहाँ पर आप पेट्रोल डीजल आपको मिल सकता है। तो आपका आंसर होगा आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ये कुछ चार पांच स्टेट्स है जहाँ पर इंडिया में हमें ऑयल मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे ही स्टेट में आपको ऑयल मिलेगा। जैसे गुजरात है, आसाम है, तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक कुछ एरिया होता है जहाँ पर कि हमें ऑयल मिलता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर ऑयल को निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका है, बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। कि तेल के अलावा हमारी अर्थ के अंदर से और क्या क्या चीज़ें मिलती है इनसाइड द अर्थ, और क्या क्या है। तो ऑयल के अलावा कोयल है, मीन्स कोयला, आयरन, कॉपर, गोल्ड, डायमंड और पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डीप इनसाइड द अर्थ हमें मिलती है। नेक्स्ट आपका है, फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस दैम इन द क्लास। कि आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करना है। ट्रैफिक रूल्स मतलब कि जब रेड लाइट होती है तो आपको रुकना होता है, येलो लाइट होती है तो आपको वेट करना होता है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आपको अभी चलना है। कहीं पर आप जाते हो तो देखो आप साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आपको हेलमेट वियर करना है, आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वो एक स्पीड डिसाइड कर देते हैं कि आपको यहाँ पर 30 की स्पीड में आपको गाड़ी चलानी, यहाँ पर आपको 40 की स्पीड में गाड़ी चलानी है। तो ये कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए। डिस्कस फर्दर, वो आगे और कुछ भी डिस्कस करते हैं। तो दिव्या, दिव्या क्या कहती है, इस पेट्रोल गोइंग टू फिनिश। क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। जैसा कि उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि जो तेल है, जो पेट्रोल है, वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहने वाला है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। कल इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। तो फिर वो जो पेट्रोल पंप पे अंकल थे वो क्या बोलते हैं कि जो पेट्रोल जो डीजल है उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, हम इतनी जल्दी उसको नहीं निकाल सकते, उसको बनने में काफ़ी लाखों साल लगते हैं। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इट द ऑयल फिनिश। कि यदि ऑयल फिनिश हो जाएगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा, तो जितने भी सारे व्हीकल्स हैं वो कैसे चलेंगे। मंजू, ऑन सीएनजी पर चलेंगे। आई हैड सीन ऑन टीवी दैट व्हीकल्स विच रन ऑन सीएनजी गैस लेस स्मोक। कि मैंने टीवी में देखा था कि जो व्हीकल्स होते हैं वो सीएनजी पर चलते हैं और उनसे स्मोक भी कम निकलता है। अंकल लाफिक, जो पेट्रोल पंप वाले अंकल थे वो हंसने लगते हैं। दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। तो वो भी तो हमारी अर्थ के नीचे से ही हमें मिलती है, वो भी तो हमें अर्थ के पास से ही मिलती है, और वो भी नेचुरल रूप से बनती है, उसे भी कोई इंसान नहीं बना सकता। इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, वो भी लिमिटेड है, वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे।
Divya, electricity can be used to run vehicles. I have seen an electrical bicycles. कि हम vehicles को चलाने के लिए electricity का use कर सकते हैं. मैंने देखा है बहुत सारी electric cycles को मैंने चलते हुए road पर देखा है. Abraham, we will have to do something. हमें कुछ करना चाहिए. Or else, how will we travel when we grow up? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम कैसे travel करेंगे. My दादी, grandmother would be happy. मेरी दादी बहुत खुश होगी. If fewer vehicles run on the road. कि जब बहुत ही थोड़े vehicles road पर चलेंगे तो मेरी दादी बहुत खुश होगी. She says, वो कहती है, look, देखो, vehicles line up like ants. जो रोड पर जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो बिल्कुल आंट की तरह दिखते हैं. जैसे कि आंट पूरी लाइन बनाकर चलती है ना पूरे झुंड की तरह, ऐसे ही जो व्हीकल्स हैं वो हमें रोड पर दिखाई देते हैं. व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप. तुम जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे. मंजू, सी ओनली वन और टू पीपल्स आर सिटिंग इन दीज कार्स. व्हाई डज नॉट एवरीवन यूज अ बस. तो फिर मंजू क्या बोलती है कि मैंने देखा था कि एक कार में सिर्फ दो लोग बैठे हुए थे, वो बस क्यों नहीं यूज़ कर लेते. कि जब एक कार में दो लोग बैठ के जा रहे हैं तो उतना ही पेट्रोल लगने वाला है. वहीं यदि सब लोग अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम कर कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की जो यूज़ है वो कम होगा और उसका सही तरह से यूज़ हो पाएगा, पोल्यूशन भी कम होगा और दूसरा हम अपने पेट्रोल डीजल को बचा भी पाएंगे. दैट विल सेव पेट्रोल. वन बस कैन कैरी मैनी पीपल्स. तो अब्राहम क्या कहता है कि हाँ, इस तरह से पेट्रोल बच सकता है. जो एक बस होती है वो बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकती है. जहाँ पर एक कार में सिर्फ चार लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं यदि एक बस में लोग ट्रैवल करेंगे तो लगभग 25 लोग उतने ही खर्चे में, उतने ही ऑयल में वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं. इससे पोल्यूशन भी कम होगा और दूसरा आपका पेट्रोल डीजल को भी आप सेव कर पाएंगे. आगे हम पढ़ेंगे. मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट. देन वी वुड हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड. वी कैन यूज इट एज मच एज वी वॉन्ट. मंजू क्या बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक ऐसी कार बनाऊंगी जो कि सनलाइट से चलेगी, तब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी और ना ही सनलाइट कभी खत्म होने वाली है. हम जितना चाहें उतना उस सनलाइट को यूज़ कर सकते हैं. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रीड करेंगे. हम इसके दो पार्ट रीड कर चुके हैं, अ बस जर्नी ऑन द पेट्रोल पंप. आई होप आपको दोनों पार्ट्स इसके समझ आए होंगे. आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.